नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में तरह तरह के जो राम भक्त हैं वो देश भर से यहां पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरीके के भक्त हैं, कोई भवंडर बाबा के नाम से फेमस है तो कोई 12 साल का बच्चा है। इसी आज जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अयोध्या की, इसी में हमें एक बाबा मिले हैं जिन्होंने जो है गांधी जी का रूप जो है लिया हुआ है और वो यहाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाबा से बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुतना। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से तो पैदल ही चल रहे हैं? कर्नाटक राज्य गदग डिस्ट्रिक्ट रोड तालुक करकीकट्टी से आया मैं। पैदल ही आए वहाँ से? पैदल ही। दिसंबर 9 तारीख को छोड़ दिया मैं। दिसंबर 9 तारीख 2023 को आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। कर्नाटक से? कर्नाटक। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या लोगों से आपने बात की, क्या संदेश है आपका? मेरा संकल्प और मेरा संदेश यही है, ये तो राम राज्य है, ये राम राज इडी पूरे देश राम राज होने का संकल्प है। हम भारत देशवासियों शांति प्रिय है, हम सब लोगों पे प्यार से रहने का है और द्वेषा छोड़ने का है। हम सब लोगों भारत देश का सोच कर थोड़ा अच्छा काम करने का बहुत ज़रूर है और मेरा भारत देश का अनेक अनेक महान व्यक्ति त्याग बलिदान हो गया, उसका तत्व पालन आदर्श है बहुत ज़रूर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी बार बार राम नाम जपा करता, हमें भी सब लोगों ने राम नाम जपा करने का जरूर है। अच्छा बाबा, ये बताइए, महात्मा गांधी जब जो है कई किताबों में ऐसा जिक्र मिलता है, जब महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम सांस ली तब भी उन्होंने हे राम कहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो उनके नक्शे कदम पर चल रही है उस जी मैं अभी पॉलिटिकल से बात नहीं करता क्योंकि लिए वो उसका उसका वैयक्तिक विचार रहता है, उसका विचार अलग अलग विचार रहता है। हम तो क्या आया, मैं क्या कर रहा है वो संदेश सिर्फ बोलता है। मेरे को भी थोड़ा हिंदी थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता, आपको भी फास्ट बात करते हैं, हमको भी बराबर स्लो बात करते हैं, नहीं सुनता है और हमको भी सही जानता है। इसके लिए आपको विनती करता है, मैं आया ना, मेरा राम जन्मभूमि पवित्र क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठान उद्घाटन के निमित्त मैं ये अभियान करा है। राम प्रभु जी बाहर देश सब देशवासियों को भी सुख शांति समृद्धि तालमेल जाए जरूर चाहिए, उसका हमको भी साथ आपका आशीर्वाद हमेशा के लिए भगवान करु जी, सबको भी भाइयों बहनों जैसा रहने के लिए एक संकल्प का करूँ महाप्रभु जी। मैं यह अभियान शुरू करके आया और दूसरे भर में मैं आप प्रश्न को उत्तर नहीं देने का शक्ति नहीं मेरा। मैं आपको विनती करता है, हम आप तो सेवा बहुत बड़ा है, हमारे भी शक्ति कितना दिया उतना है, ये हम कर रहा है वो हम महात्मा बहुत राष्ट्रपिता है उतना महान व्यक्ति में उतना हम ऐसा देख रहे हैं। सिर्फ मैं बहुत बड़ा नहीं छोटा है, मेरे को कितना सोशल वर्क करने का समाज सेवा करने का वो कर रहा है, हम एक नहीं करने का सब मिलाकर करें तो भी भारत देश समृद्ध होता है, ग्रंथ भारत होता है, महान भारत होता है, हसीर भारत होता है, समृद्ध भारत होता है, स्वच्छ भारत होता है, महान भारत हो जाता है। हम सब लोग तो आपका सपना महान भारत हो, एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, श्रेष्ठ भारत, सब भारत, समृद्ध भारत, सब भारत, महान भारत, ये संदेश लेकर आप चल रहे हैं। बाबा, आपने बाबा को सुना, बाबा जो है एक सपना लेकर चल रहे हैं श्रेष्ठ भारत का। कैसे? देखिए, आप पैदल चल रहे हैं, कर्नाटक से आए हैं, 9 दिसंबर को निकले थे वहाँ से और पैदल ही अयोध्या तक पहुँचे हैं, गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं, हम लोग को संदेश दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इनके संदेश से? इनके संदेश बहुत बढ़िया संदेश है कि हम लोग इनके मार्ग गांधी के मार्ग पर चले, दूसरा गांधी ये अवतार है, यही नाम है आपका? सुनील कुमार। बाबा जो संदेश दे रहे हैं समृद्ध भारत का, अयोध्या तक पहुँचे कर्नाटक से, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि हाँ आप भी गांधी जी के तरह जो है उनके। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो संदेश आप लेकर चल रहे हैं देश के लिए और जो है जिस तरीके से आपने इस उम्र में पैदल यात्रा कर कर्नाटक से और अयोध्या तक का सफर तय किया है, उसके लिए आपके जज्बे को आपके हौसले को जो है वाकई में जो है ये देश सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमएफ न्यूज़ पर आपने देखा कि एक बाबा है जो गांधी बनकर कर्नाटक से पैदल चले थे और अयोध्या तक वो पहुँचे हैं और वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि श्रेष्ठ भारत बने, एक भारत बने, पर्यावरण को लेकर उन्होंने का संदेश है, जल को लेकर संदेश है, राजनीतिक बाबा बात नहीं करते और वो महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस संदेश को देश भर में प्रचारित कर रहे हैं।